Hey, hi guys, good morning. Let's crack UPSC CSE with India's largest learning platform, that is Unacademy. There are many benefits of Unacademy. First and most important benefit of Unacademy is that you will get daily live classes, which are very important and very crucial for your prelims as well as mains examination. We are providing you structured courses mainly on the Plus and Iconic. So if you want to study in a structured manner, you should be either on the Plus or the Iconic. And while going on the Plus or on the Iconic, you should use the code SKUS. Guys, we are providing, I am conducting daily live test every day at 8 a.m. in the morning and every day at 4 p.m. in the evening. So if you want to crack 21 prelims, it is must for you to attend these two free live tests. Everything that is happening on Unacademy is in recorded format, so you will get unlimited access to each and everything. Guys, this is my Telegram channel. Please subscribe to this Telegram channel. This is my Unacademy profile. Please follow me on Unacademy and dedicate your hats to me on Unacademy. These are India's top educators who will help you to crack UPSC CSE examination. I am already one of them, guys, all because of you. On Unacademy, we are providing you comprehensive coverage of the syllabus. So here you can see each and every topic and each and every subject is covered on Unacademy. Guys, when you are going on Plus, you will get many benefits. First and most important benefit is the live class जो आपको यहाँ पे दिख रहा है. उसके बाद guys, जो next benefit मिलता है आपको Plus पे जाने के बाद, वो benefit है guys. Am I audible and visible? Good morning to everybody. Guys, am I audible and visible? I guess yes, I am. Fine. So, hello Ankita Kumari, Ankit Yadav, Glitters, X Beauty, Deep Shikha Verma, good morning, and Sheetal, good morning. So, yes. तो आपको प्लस पे जाने के बाद लाइव क्लास मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा और स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल मिलेगा. प्लस के लिए हमारे पास 1 से 6 मंथ से 24 मंथ से 36 मंथ, मतलब ये अलग अलग प्लान्स अवेलेबल है. ये सारे प्लान्स अगर आपको डिस्काउंट में एंजॉय करने तो आपको SKUS कोड 10% डिस्काउंट देता है. जब आप आइकॉनिक पे जाते हो तो आइकॉनिक पे भी सारे बेनिफिट आपको प्लस के तो मिल ही जाएंगे. उसके साथ साथ आपको पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज फीडबैक, मतलब ये चार बेनिफिट आपको आइकॉनिक पे मिल जाते हैं. ये तीन इंपॉर्टेंट प्लान्स अवेलेबल है आइकॉनिक के और ये तीनों प्लान्स आपको डिस्काउंटेड प्राइस में SKUS पे मिल जाएंगे 10% डिस्काउंट पे. उसके बाद गाइज, जब आप ऑप्शनल लेना चाहते हो सब्सक्रिप्शन, तो उसमें भी ऑप्शनल के देख लीजिए, 1 मंथ से 36 मंथ के प्लान है. इसमें अगर आप SKUS कोड यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. देन गाइज, 31 जनवरी को, मतलब कमिंग संडे को, अनअकेडमी कॉम्बैट विल टेक प्लेस. आपको इस अनअकेडमी कॉम्बैट में बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, जिसमें 45 मिनट्स में 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं. और अगर आप इनको अच्छे से डील कर लेते हो और आपकी रैंक 1 से 3 के बीच में आती है तो आपको UPSC CSE का 3 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा. अगर आपकी रैंक 4 से 150 के बीच में आती है तो आपको 1000 रुपीज का अमेजॉन वाउचर मिल जाएगा, ठीक है. उसके बाद हमने 21 के लिए, ये देखिए, 6 मंथ की बैच कोर्सेज स्टार्ट किए 21 के लिए 25 जनवरी को. उसी तरह हमने 1 ईयर की 22 के लिए बैच कोर्सेज लॉन्च किए हैं और 1 ईयर की 23 के लिए भी हमने बैच कोर्स लॉन्च किए 25 जनवरी को. और NCERT की बैचेस भी 25 जनवरी को हमने लॉन्च कर लिए, ओके. देन गाइज, यहाँ पे अगर आप देखोगे, हेलो सीनू, यहाँ पे आप देखोगे ये मेरा प्लस का कोर्स है, ये मेरा आइकॉनिक का कोर्स है. यहाँ पे आइकॉनिक GS और प्लस ऑप्शनल अगर आप लेते हो 12 मंथ 24 एंड 36 मंथ तो आपको SKUS कोड 10% डिस्काउंट देता है. और जब आप GS का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो और ऑप्शनल का भी प्लस लेते हो, दोनों केस में अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये 12, 24, 36 मंथ एंड SKUS कोड आपको 10% डिस्काउंट देता है गाइज. उसके बाद यस, ये हो गया हमारा अनअकैडमी के बारे में. अब अगर हम नेक्स्ट बात करना चाहे तो नेक्स्ट बात एक हम क्विक आपको बता देते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है. उसके बाद हम आज का क्लास स्टार्ट करेंगे, एकदम क्विक बताने वाला हूं. इट विल टेक मैक्सिमम 5 मिनट्स. गुड मॉर्निंग शीतल. तो यहाँ देखिए, पहला पॉइंट हमने IGMDP प्रॉपर तरीके से किया. आज हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगा और कल कौन सा टॉपिक पढ़ाना है ये आप बता दीजिए, उस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो IGMDP हमने कवर कर लिया पूरा. IGMDP में 5 मिसाइल्स है, 2 सरफेस टू सरफेस है और 2 सरफेस टू एयर है और 1 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है. उसके बाद पृथ्वी के 3 वेरिएंट है, 1, 2, 3. उसके बाद अग्नि के 5 वेरिएंट है, 1, 2, 3, 4, 5. धनुष पृथ्वी का नेवल वेरिएंट है.
उसके बाद अग्नि 5 आईसीबीएम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और दुनिया में बहुत कम लोगों के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, कम कंट्रीज के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। उन कंट्रीज के नाम शायद मैंने आपको यहाँ पे बताए थे, यस यहाँ पे होने चाहिए, नहीं है अग्नि 5 बता दीजिए नाम आप, वो पांच कंट्रीज जिनके पास आईसीबीएम है, P5 प्लस इंडिया एंड नॉर्थ कोरिया, मतलब 7 कंट्रीज के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, आईसीबीएम। फिर हमने आकाश के बारे में देखा था जिसमें रामजेट प्रोपल्शन इंजन है, नाक के बारे में देखा था, हेलिना देखा, देन नगीना नहीं नामिका देखा, हेलिना देखा, ठीक है। देन उसके बाद त्रिशूल के बारे में हमने डिस्कस किया, फिर एयर ब्रीदिंग इंजिन देखे जिसमें हमने टर्बोजेट देखा, रामजेट देखा, उसके बाद स्क्रैमजेट देखा, उनकी स्पेशलिटी देखी वो किस तरह से ब्रीदिंग करते हैं, किस तरह से एयर को प्रेशराइज करते हैं और किस तरह से वो स्पीड हमें देते हैं। फिर हमने देखा था बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ओके सौरभ। और उसके बाद फिर हमने बैलिस्टिक मिसाइल के अलग अलग टाइप्स भी देखे थे, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज एंड आईसीबीएम। उसके बाद क्रूज मिसाइल के बारे में भी हमने डिस्कस किया था और दोनों में डिफरेंस भी हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि यूएस अस्त्र मिसाइल जो है ये BVR है, मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इसकी रेंज 70 किलोमीटर है, ये ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटीज वाली है। प्रहार मिसाइल के बारे में हमने देखा था कि ये सॉलिड फ्यूल है, रोड मोबाइल है और ये पृथ्वी को रिप्लेस करने के लिए हमने लॉन्च किए। प्रहार का ही जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है उसको हमने प्रगति नाम दिया। प्रणाश में हमने क्या किया है, प्रहार की रेंज बढ़ा दी हमने 50 किलोमीटर से, तो वो हो गया प्रणाश। फिर हमने टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल जो हम एक्चुअल बैटल फील्ड में यूज कर सकते हैं, उनको हम टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। फिर हमने न्यूक्लियर ट्रायड की बात की थी, दुनिया में बस 5 P5 प्लस इंडिया, मतलब 6 कंट्री के पास न्यूक्लियर ट्रायड है, ठीक है। न्यूक्लियर ट्रायड इंडिया का एयर लैंड से लॉन्च करने के लिए अग्नि मिसाइल है, एयर से लॉन्च करने के लिए सुखोई है, रफेल आ गया अभी, और वाटर से लॉन्च करने के लिए हमारे पास INS अरिहंत है, विच इज अ बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ इंडिया। इस तरह से हमारा न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट हुआ है और ये देख लीजिए वो 5 P5 प्लस इंडिया, इनके पास न्यूक्लियर ट्रायड है। फिर हमने देखा था सागरी का B05 या K15। फिर हमने K मिसाइल फैमिली देखी जिसमें K4 है, K5 है, K6 है, K15 है। K15 को ही हम सागरी का कहते हैं या B05 कहते हैं, गुड मॉर्निंग सुधा, इसको ही हम B05 कहते हैं। तो K मिसाइल फैमिली भी हमने एकदम प्रॉपर तरीके से की थी। उसके बाद मैंने आपको इंडियन सबमरीन बताई थी, इसमें कलावरी चक्रा क्लास है, अरिहंत क्लास है, शिशुमार क्लास है, सिंधु घोष क्लास है, कलवरी क्लास है। उसमें सिर्फ अरिहंत एक ऐसी सबमरीन है जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, बाकी सारी इंडिया के पास जो सबमरीन है वो अटैक सबमरीन है। हमारे पास सिर्फ 2 क्लास है जो न्यूक्लियर पावर्ड है, चक्रा क्लास एंड अरिहंत क्लास, बाकी सब डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। उसके बाद हमारे पास बस एक ही क्लास है जिसमें डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन विद एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है, उसको हमने नाम दिया था कलवरी क्लास। भी इस तरह से हमने सबमरीन वाले सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कर लिए थे, ठीक है, और बहुत अच्छे से मैंने आपको ये सब टॉपिक्स बताए थे। उसके बाद कलवरी क्लास सबमरीन के बाद हमने प्रोजेक्ट 75 देखा था, कलवरी क्लास की सबमरीन पहली है INS कलवरी, फिर आती है INS खांडेरी, उसके बाद आती है INS करंज, करंज के बाद वेला आएगी, वेला के बाद वागीर आएगी और वागीर के बाद वागशीर आएगी। तो प्रोजेक्ट 75A जो है इसके अंडर हमने 6 सबमरीन डेवलप की है, ओके। गुड मॉर्निंग अवंतिका, सर नाग न्यू जनरेशन भी टेस्ट किया DRDO ने, यस शीतल वो टेस्ट चलते रहते। देखिए आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, मिसाइल्स के टेस्ट DRDO रेगुलरली करता रहेगा, उसमें टेक्नोलॉजिकल अपडेट करते जाएगा, आपको बेसिक मिसाइल के पता होनी चाहिए। और क्योंकि आपको मिसाइल के बेसिक पता है, देखिए आपने नाग पढ़ा था इसलिए जब नाग को टेस्ट किया ना DRDO ने, तो आपने उसे नोटिस किया और उसके बारे में पढ़ा भी, तो आपका नाग रिवाइज हो गया। और उसके साथ साथ अगर नाग में कोई नई टेक्नोलॉजी ऐड की है DRDO ने, वो भी आपको पता चल गई। तो ये होता क्या है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ये स्टैटिक टॉपिक करने की वजह से आपके करंट अफेयर आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि साइंस एंड टेक के लिए कौन सा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने वो अच्छे से किया, याद रखा, आपका प्रीलिम निकल गया, इट्स लाइक दैट। दैट्स व्हाई स्टैटिक करना जरूरी है, बेसिक करना जरूरी है, ठीक है। आप अगर डायरेक्ट नाग ही पढ़ते तो ये पूरा बैकग्राउंड आपको पता चलता क्या नाग के बारे में, शीतल नहीं। अब आपको नाग का पूरा बैकग्राउंड पता है, आपको बस याद क्या रखना है, जो भी नया एडिशन होगा नाग में उतना याद रखना है, दैट्स इट।
ठीक है, प्रोजेक्ट 75 के अंदर हम 6 डीजल इलेक्ट्रिक एआईपी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाली सबमरीन्स डेवलप कर रहे हैं। फिर हमने देखा था एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम क्या होता है, फिर हमने कमीशन जो अब तक हुई है उनके बारे में देखा, फिर हमने एयर टू एयर मिसाइल्स देखे जिसमें माइका आता है राफेल के साथ, फिर नोवाटार KS-172 आता है, फिर बराक 8 मिसाइल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ SLBM मतलब सबमरीन लॉन्च्ड और शिप लॉन्च्ड SLBM बैलिस्टिक मिसाइल या LRSAM है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसके दो वेरिएंट है, आपके मैरिटाइम वेरिएंट भी और लैंड बेस्ड वेरिएंट भी आपके पास है। निर्भय मिसाइल के बारे में हमने देखा था, ये लॉन्ग रेंज ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो आप तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हो, लैंड, नेवी एंड एयर। ठीक है, ये 2-स्टेज मिसाइल है पावर्ड बाय सॉलिड रॉकेट मोटर बूस्टर्स। ठीक है, ये इंडियन वर्जन ऑफ अमेरिकन टॉमहॉक है। फिर हमने शौर्य मिसाइल देखा था, ये SLBM है मतलब सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, सागरिका का वेरिएंट है, लैंड वेरिएंट शौर्य। उसके बाद हमने देखा था ब्राह्मोस के बारे में। अब मैं ब्राह्मोस के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप प्लीज उनके आंसर दीजिए, दे दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीन सॉल्ट, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, आपको उनके आंसर्स देने हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ आंसर क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। मुझे बताइए ब्राह्मोस हम कितने प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हैं? ब्राह्मोस कैन बी लॉन्च फ्रॉम हाउ मेनी प्लेटफॉर्म? तो याद रखिए, वी कैन लॉन्च ब्राह्मोस फ्रॉम लैंड, वॉटर एंड एयर, ऑल 3 प्लेटफॉर्म से आप ब्राह्मोस को लॉन्च कर सकते हो। बाकी डिटेल आपको पता है, इट इज अ ज्वाइंट वेंचर, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। उसके बाद इसकी रेंज 290 किलोमीटर थी, अभी हमने उसकी रेंज 400 किलोमीटर की है, उसकी स्पीड हमने मेंटेन कर रखी है, 2.8 मैक ही स्पीड है उसकी। ये दो मतलब टॉप अटैक भी कर सकता है, डायरेक्ट अटैक भी कर सकता है। देन ये ब्रह्मपुत्र और मॉस्को रिवर का अमालगमेशन है, ज्वाइंट वेंचर है इंडिया रशिया का, ये आप क्रूज मिसाइल है। उसके बाद ये फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है, इसका सेकेंड वर्जन हम डेवलप कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं ब्राह्मोस 2 जो हाइपरसोनिक होगा। ठीक है, देन मिशन शक्ति हमने डिस्कस किया था बहुत प्रॉपर तरीके से। मिशन शक्ति में हमने एक सैटेलाइट से जो लो अर्थ ऑर्बिट, सॉरी हमने एक मिसाइल से हमारा जो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट है ना, उस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया, उसी को हमने नाम क्या दिया, मिशन शक्ति, ये नाम हमने दे दिया है। ठीक है, चलिए मिशन शक्ति हो गया आपका। अब कितने कंट्रीज के पास एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज है? हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज? बताओ कितने कंट्रीज के पास एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज है, या कितने कंट्री दूसरी कंट्री के सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, फ्रॉम मतलब जो भी है उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है, जो उनका सैटेलाइट है आपका स्काई में, उस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, कोई बता सकता है? एनीबडी, एनीबडी गाइस? यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइज, एंड हियर यू गो, हमें आंसर मिल गया है, 4 या 3। नहीं, ये देख लीजिए, 3 का अभी 4 हो गई, सुमन नेगी, दीपशिखा शर्मा, अभी 4 हो गई, यूएसए, रशिया, चाइना एंड इंडिया, तो ऐसी टोटल अभी 4 कंट्रीज हो गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये एसैट के बारे में हमने देखा था, मिसाइल बेस्ड है, लो अर्थ ऑर्बिट एंड ऑल। फिर हमने, हाँ, दिस स्पाइक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, मुझे बताइए वॉट इज स्पाइक, कैन एनीबडी टेल मी What is spike? कोई बता सकता है spike क्या है? जल्दी बताइए What exactly spike is? It is very important, ये आपको prelims में आ सकता है, बहुत अच्छे से आ सकता है। Okay? हाँ चलो, गुड मॉर्निंग दिनकर। चलो मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, ये स्पाइक जो है ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और हमने ये इंपोर्ट किया है इसराइल से, स्पाइक पे आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इट इज अ इसराइल मेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। उसके बाद ये पूरे अलग अलग हमने देखे थे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में, ईट है, और उसके बाद 3 होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट में
मैनुअल होता है, सेकेंड में सेमी ऑटोमेटिक होता है और थर्ड में कंप्लीटली ऑटोमेटिक, जिसमें आप इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेज सीकर यूज करते हो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में। हमारा जो नाग है वो थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, मतलब नाग में हम मैनुअल या सेमी ऑटोमेटिक कंसेप्ट यूज नहीं करते, नाग खुद से सब चीजें मैनेज करता है, ठीक है, ऑटोमेटिक है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, अमोघ मिसाइल याद रखिए, मैंने आपको बताया था इंडिया की जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो इंडिजिनसली डेवलप्ड है वो नाग और अमोघ है, ओके। और जो आपकी इंपोर्टेड है वो है स्पाइक। बस ये तीन अच्छे से याद रखिए। इसमें से ये जो एक और MP-ATGM मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये आपके कल के परेड में भी था, कल जो हमारा परेड हुआ 26 का, वो लाल किले वाला नहीं राजपथ वाला, उसमें MP-ATGM था। देन नाग मिसाइल को ही आप प्रोस्पिना कहते हो, ये याद रखिए, अनदर नेम यूज्ड फॉर नाग, नाग को ही आप क्या कहते हो, प्रोस्पिना, प्लीज रिमेंबर दिस। उसके बाद यस हेलिना, नामिका, MP-ATGM, ये सब मैंने आपको बताया था। सैंट याद रखिए, SANT, दैट इज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। फिर ये कैनॉन लॉन्च लेजर गाइडेड मिसाइल या CLGM भी याद रखिए, शामो याद रखिए, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल याद रखिए, जास्मिन एंटी टैंक मिसाइल याद रखिए। फिर हमने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात कही थी, क्या आप बता सकते हो इंडिया के इंडिजिनसली डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कितने हैं और कौन से हैं? इंडिजिनसली डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ऑफ इंडिया, दोनों के नाम बताइए, बस आप नाम बताइए, उसके डिटेल में हम कर लेंगे। गुड मॉर्निंग सिद्धू, वेरी गुड मॉर्निंग, क्विकली बताइए गाइज। यस पहला जो है आपका गाइज वो है, गुड मॉर्निंग, चलो पहला कौन सा है, PAD, इसी को आप क्या कहते हो, प्रद्युम्न एयर डिफेंस और पृथ्वी एयर डिफेंस, और दूसरा है AAD, एडवांस्ड एयर डिफेंस या अश्विन एयर डिफेंस, ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है। और तीसरा हमने बाय किया है S-400 रशिया से, ओके। देखिए आप लोग ये आंसर कर रहे हो ना, ये आंसर्स आपको पहले पता नहीं थे, आपने क्लास किया इसलिए पता चल गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपका PAD है, हम अगर PAD की बात करें, प्रद्युम एंड एयर डिफेंस की अगर हम बात करें, तो PAD में 50-82 किलोमीटर उसकी रेंज है, टू स्टेज है, बोथ सॉलिड प्रोपेलेंट है, और ये एक्सो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन करता है। PAD हम एक्सो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है गाइस। और उसके बाद अगर हम AAD की बात करें, आप देख लीजिए नेक्स्ट स्लाइड में, एंडो एटमोस्फेरिक में रेंज अप टू 30 किलोमीटर, और ये सिंगल स्टेज से सॉलिड फ्यूल्ड है। AAD सिंगल स्टेज है, EAD टू स्टेज है। AAD की रेंज कम है, PAD की रेंज ज्यादा है। AAD एंडो एटमोस्फेरिक है, PAD एक्सो एटमोस्फेरिक है। तो हमारे पास दोनों तरह की टेक्निक है, एंडो एटमोस्फेरिक भी है और एक्सो एटमोस्फेरिक भी है, लेकिन ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, इतनी ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें यूज नहीं हुई है, इसलिए फिर हम अभी रशिया से मोस्ट एडवांस्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बाय कर रहे हैं, उसको हमने नाम दिया S-400, उसका हमने नाम क्या दिया, S-400, ठीक है। चलिए आगे, अब फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि आपका जो BMD है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया को सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज डेवलप करना बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, इसलिए हमारे पास ये बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि अगर किसी ने हम पे अटैक किया तो हमें कम से कम लॉस होना चाहिए ना, और उसने पहले अटैक किया इसलिए फिर हम उस पर बहुत ज्यादा अटैक करेंगे, तो इस तरीके से होता है, इसलिए हमने क्या किया है कि आपकी ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की हमें जरूरत है। चलिए गाइज, अब हम हमारे टॉपिक के नजदीक आ रहे हैं, आज के टॉपिक के, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, चलिए आगे। सो दिस इज व्हाई इंडिया नीड ए BMD, S-400 भी हमने बहुत प्रॉपर तरीके से किया था, ठीक है, ऐसा मत समझिए कि हमारा क्लास खत्म हुआ है, अभी तो हमारा क्लास स्टार्ट हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्यों, अब ये आ गया आपका न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो आज हमें डिस्कस करना है वन बाय वन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमेशा के लिए याद रखिए, हमेशा के लिए ये चीजें याद रखनी, देखिए इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन कैन बी समराइज्ड एज फॉलो, एक एक पॉइंट याद रखना है आपको,
व्हाई वी हैव न्यूक्लियर वेपन, इसकी थोड़ी सी स्टोरी अगर हम बैकग्राउंड में बता दें आपको, तो फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन वॉज टेस्टेड इन 1945 बाय यूएसए ऑन जापान. ओके, आपकी हिरोशिमा और नागासाकी पे पहला न्यूक्लियर वेपन डाल दिया गया. इसके बाद क्योंकि यूएसए के पास न्यूक्लियर वेपन है तो 1949 में रशिया ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर दिया. अब रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो यूरोप में जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, फ्रांस एंड यूके, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि दे शुड हैव न्यूक्लियर वेपन. तो 1952 में फ्रांस ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर दिया क्योंकि 1952 में अब जब पहले सिर्फ एक ही कंट्री के पास था, अब तीन कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन आया और सभी ने, जापान में जो डिस्ट्रक्शन हुआ था ना न्यूक्लियर वेपन की वजह से, वो डिस्ट्रक्शन अपने आंखों से देखा था, ऑब्जर्व किया था. इसलिए फिर 1953 में आई गेस आइजनहावर जो प्रेसिडेंट है उन्होंने पीस एटम्स फॉर पीस ये स्पीच दिया और 1957 में एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई जिसके बारे में आपको पता होगा, IAEA. इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये एस्टेब्लिश हुई. इसका एम था पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. याद रखिए फॉर योर प्रीलिम्स, व्हाट इज द एम ऑफ IAEA? द एम ऑफ IAEA इज पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. जैसे ही आपने ये पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात की 1960 में, क्योंकि फ्रांस के पास था तो 1960 में यूनाइटेड किंगडम में के पास भी, दैट इज इंग्लैंड, उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन आ गया. अब यूके के पास न्यूक्लियर वेपन आने के बाद 1963 में आपके चाइना के पास भी न्यूक्लियर वेपन आ गया. तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी स्प्रेड हो रही है, यस और नो? न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी इज स्प्रेडिंग, एम आई राइट गाइज? क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल गाइज, न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी इज स्प्रेडिंग. इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी का प्रोलिफरेशन हो रहा है. प्रोलिफरेशन का मतलब होता है स्प्रेड. सो टू प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी और टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी 1968 में एक ट्रीटी इंट्रोड्यूस की गई. उस ट्रीटी को हमने नाम दिया एनपीटी. इसको हमने नाम दिया एनपीटी. इसका मतलब होता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. देखिए, न्यूक्लियर वेपन स्प्रेड भी हो रहा है और वो न्यूक्लियर वेपन स्प्रेड ना हो इसलिए हम एफर्ट भी ले रहे हैं. पहले तीन कंट्रीज के पास था इसलिए हम IAEA लेकर आए, फिर पांच कंट्री के पास हुआ इसलिए हम ये एनपीटी लेकर आए. अब इस एनपीटी ने ना कंट्रीज को दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक ग्रुप बना लिया, इनको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियर वेपन स्टेट. इनको इन्होंने नाम क्या दिया? न्यूक्लियर वेपन स्टेट. और दूसरा ग्रुप इन्होंने बनाया, उन्हें इन्होंने नाम दिया नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट. अब क्या किस क्राइटेरिया पे इन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया न्यूक्लियर वेपन स्टेट और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट? तो उसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया यूज किया कि 1964 से पहले, जिन कंट्रीज ने 1964 से पहले न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया है उन कंट्रीज को उन्होंने इस लिस्ट में डाला वन वाली, और बाकी सारी कंट्रीज को डाला इस लिस्ट में टू वाली. तो क्योंकि 1963 तक बस इन पांच कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया था 64 तक, इसलिए एनपीटी के अकॉर्डिंग ये हो गई न्यूक्लियर वेपन स्टेट. क्लियर? इनको एनपीटी ने न्यूक्लियर वेपन स्टेट का स्टेटस दिया. एनपीटी केम इनटू फोर्स 1969 या 70 में, ये केम इनटू फोर्स, मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने इसे साइन किया. एनपीटी को साइन नहीं किया, बच्चों, माधवी गोन, गुड मॉर्निंग, बच्चों आपके एनपीटी को साइन नहीं किया एक ही कंट्री ने, सॉरी एक ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज है. कैन यू गिव मी अ टाइम, मैं ना एक स्लाइड ऐड कर देता हूं ताकि ये हमें इजी हो जाए आपको एक्सप्लेन करना, ठीक है? हाँ, अब चलो. तो इस एनपीटी को मैंने आपको टाइमलाइन बता दी 1945 यूएसए, 1949 रशिया, 1952 फ्रांस, 1957
IAEA 1960, UK 1963, China 1968/69/70 NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसने दो ग्रुप किए, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स और दूसरा ग्रुप किया नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, ये दो ग्रुप कर दिए। अब ये ग्रुप करने के बाद हुआ क्या बच्चों, पता है? इस एनपीटी को सारे कंट्रीज ने साइन किया, साइन नहीं किया इंडिया ने, साइन नहीं किया पाकिस्तान ने, साइन नहीं किया इसराइल ने, साइन किया था लेकिन बाद में सिग्नेचर विड्रॉ किया नॉर्थ कोरिया ने, साइन नहीं किया साउथ सुदान ने, इंडिया ने साइन नहीं किया। इंडिया ने कहा अगर आप जेन्युइनली नॉन प्रोलिफरेशन करना चाहते हो न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी का, तो व्हाई यू आर अलाउिंग दीज फाइव कंट्रीज टू हैव न्यूक्लियर वेपन, आस्क देम टू डिस्ट्रॉय न्यूक्लियर वेपन, आस्क देम टू डिस्ट्रॉय न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड देन वी विल बी फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो इंडिया ने कहा कि एनपीटी इज अ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी, इंडिया ने कहा एनपीटी इज अ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी, तो वी विल नॉट साइन दिस ट्रीटी, क्योंकि ये पांच कंट्री को ही अलाउ कर रहा है न्यूक्लियर वेपन रखने के लिए। मतलब वो बच्चे खेलते हैं ना, 10 बच्चे खेल रहे हैं और मम्मी पापा अगर सिर्फ एक ही बच्चे को दे दे, मम्मी पापा अगर सिर्फ एक ही बच्चे को खिलौना दे दे और बाकी 9 बच्चे फिर चिल्लाएंगे ना, तो वही हुआ, इंडिया ने ये कहा। अब पाकिस्तान ने कहा हम भी साइन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पापा ने साइन नहीं किया, हम पापा जो करेंगे वही करेंगे, पापा अगर कुछ अच्छा काम करते हैं तो वो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, पापा अगर कुछ बुरा काम करते हैं तो हम सबसे पहले पापा से भी पहले ट्राई करेंगे कि वो हम कर ले, ठीक है। तो इंडिया ने इसे साइन नहीं किया, पाकिस्तान ने नहीं किया क्योंकि इंडिया ने नहीं किया, इसराइल ने एनपीटी को साइन नहीं किया, इसराइल ने कहा वी आर सराउंडेड बाय नेबर्स हु आर वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर अस, तो इसराइल ने कहा कि हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है तो हमें न्यूक्लियर वेपन ये एनपीटी में हम साइन नहीं करना चाहते क्योंकि वी वांट टू कीप न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी और वी वांट टू कीप द विंडो ओपन टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन। इसराइल ने क्या कहा कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है लेकिन हमें न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो हमें करना है क्योंकि वी आर सराउंडेड बाय अ वोलाटाइल नेबरहुड, जब हमारे एग्जिस्टेंशियल जब हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगी तब हम न्यूक्लियर वेपन डेवलप भी करेंगे और यूज भी करेंगे और इसराइल जो कहता है वो करके दिखाता है, वो अगर जरूरत पड़े ना। एक बात बता रहा हूं मैं आपको, अब तक वर्ल्ड में सिर्फ यूएसए ने जापान पे न्यूक्लियर वेपन यूज किया है, इसके बाद पहला न्यूक्लियर वेपन अगर कोई यूज करेगा तो दैट विल बी इसराइल गाइस, जस्ट रिमेंबर दिस, कभी भी हो आफ्टर 50 इयर्स कभी नहीं होना चाहिए और अगर हुआ तो दैट विल बी इसराइल ओनली, पाकिस्तान भी नहीं कर पाएगा। उसका मैं रीजन बताओ, पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है ना वो फुसके है, मतलब वो फूटेगी ही नहीं, और फूटे भी तो पाकिस्तान में ही फूटेगी, इंडिया में आकर तो वो फूटने वाले है ही नहीं, ठीक है। वो बॉम्ब आते आते बोलेंगे अरे पप्पा पे मुझे फेंक रहा है, रुक मैं वापस आके तुझ पे ही गिरता हूं, ठीक है। तो ये इसलिए नॉर्थ कोरिया ने साइन किया था इनिशियली एनपीटी को, लेकिन नॉर्थ कोरिया का ये आपका मतलब ये हुकुमशाह है ना, डिक्टेटर है, तो इसने कहा कि छोड़ो अब मेरा मन नहीं है एनपीटी में रहने का, तो इसने साइन विड्रॉ कर लिया। और साउथ सुदान इज अ न्यू कंट्री, इनको अभी तक टाइम नहीं मिला है साइन करने के लिए एनपीटी को, क्योंकि अपने अपने ही झंझटों में इतने बिजी है ना कि उनको टाइम ही नहीं मिला। तो ये हो गया एनपीटी। एनपीटी के बाद देखिए 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट की, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट बाय इंडिया। जैसे ही इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट की उसी साल एक ग्रुप एग्जिस्टेंस में आया, एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, जिसकी हम मेंबरशिप चाह रहे हैं लेकिन हमें नहीं मिल रही है, हमें नहीं मिल रही है, एनएसजी आया। इसके बाद और एक ट्रीटी आ गई 1996 में, उस ट्रीटी का नाम है सीटीबीटी,
कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, और उसके बाद फिर से न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया 98 में, पहले इंडिया ने किया और इंडिया के बाद न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया आपके पाकिस्तान ने। अब यहाँ पे देखिए कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि इसराइल ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया है, बिल्कुल नहीं किया, लेकिन सारी दुनिया को पता है कि इसराइल के पास है। क्लियर? तो गाइज यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया कि न्यूक्लियर वेपन का प्रोलिफरेशन हो रहा है, और अगर हर कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया और किसी ने अगर गलती से यूज कर लिया तो उसका इम्पैक्ट पूरी ह्यूमैनिटी पे होगा, पूरी अर्थ पे होगा, क्योंकि यूएसए ने जो न्यूक्लियर वेपन यूज किए थे ना 6 अगस्त एंड 9 अगस्त 1945 में, वो बहुत कम पावरफुल थे। अभी एकदम छोटा भी न्यूक्लियर बॉम्ब है ना, दैट इज वेरी वेरी पावरफुल। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम न्यूक्लियर वेपन का मतलब जो स्प्रेड हो रहा है या प्रोलिफरेशन हो रहा है वो क्या करे, स्टॉप करे। इसीलिए जब हमने 1998 में न्यूक्लियर सेकेंड टेस्ट की, उस सेकेंड टेस्ट का नाम था प्रोजेक्ट शक्ति। पहली जो हमारी न्यूक्लियर टेस्ट थी उसका नाम क्या था बता सकते हो आप? फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया वॉज इन 1974 और उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध हंसा। और उसके बाद हमने सेकेंड टेस्ट की 1998 में, जिसमें आप जिसपे आपका वो जॉन अब्राहम का परमाणु मूवी इसी सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट पे बेस्ड है। तो ये सेकेंड टेस्ट हमने 1998 में की। इसके बाद फिर इंडिया पे सैंक्शंस लगाए गए, बहुत अलग अलग कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए इंक्लूडिंग यूएसए, एंड बिकॉज ऑफ दिस सैंक्शंस इंडिया के लिए डिफिकल्ट हो रहा था। सर आप बहुत अच्छे से समझाते हो, आपके क्लास में इतना मजा आता है, आपका क्लास कभी मिस करने का मन नहीं करता है। थैंक यू सर फॉर मेकिंग सच इंटरेस्टिंग फॉर अस। अरे थैंक यू शीतल। हाँ, सैंक्शंस लगाए तो फिर उस टाइम के जो हमारे पीएम थे ना अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने ये न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन लेकर आए। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन दिया है, और इस न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन से हमने वर्ल्ड को एक मैसेज दिया। क्या मैसेज दिया? कि इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, इंडिया इज नॉट इररिस्पॉन्सिबल, इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। ये हमें बताना था दुनिया को, इसलिए हम इस न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को लेकर आए। सबसे पहले हमने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में ये लिखा कि आज के बाद हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, उसे हमने कहा सेल्फ मोरेटोरियम ऑन न्यूक्लियर टेस्ट। हमने बोल दिया दुनिया को, सुनो 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 दुनिया वालों सुनो, आज के बाद इंडिया कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। ये हमने हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में लिख दिया। तो सेल्फ मोरेटोरियम ऑन न्यूक्लियर टेस्ट, ये करने के बाद दूसरा हमने दुनिया को बताया कि हमने न्यूक्लियर वेपन किसी कंट्री पे अटैक करने के लिए नहीं डेवलप किया है, हमने न्यूक्लियर वेपन इसलिए डेवलप किया है ताकि कोई कंट्री हम पे अटैक ना करे। जैसे चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो चाइना डरे हमें हम पे अटैक करने से पहले, चाइना सोचे कि नहीं भाई अगर हम इंडिया पे अटैक करेंगे तो इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है तो हमें हम पे भी इंडिया अटैक कर सकता है, तो ये डिटरेंस। तो सेकेंड हमने कहा कि द एम ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम इज डेवलपमेंट ऑफ मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, मिनिमम क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, जेन्यून। आप सिर्फ बता रहे हो दुनिया को हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन आपने कभी टेस्ट ही नहीं किया, दुनिया आप पे ट्रस्ट करेगी? दुनिया आप पे ट्रस्ट करेगी? नहीं करेगी। इसलिए हमें दो बार न्यूक्लियर टेस्ट करने पड़े, 74 में भी और 98 में भी। तो ये पहला सेल्फ मोरेटोरियम ऑन न्यूक्लियर टेस्ट, सेकेंड मिनिमम क्रेडिबल डिस्टरेंस, तीसरा हमने बताया कि हम कभी भी खुद से किसी कंट्री पे न्यूक्लियर वेपन अटैक नहीं करेंगे पहले, उसी को हमने नाम दिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, ये इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चाइना की जो है ना, चाइना की ड्यूएल यूज पॉलिसी है, चाइना की ड्यूएल यूज पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? चाइना ये कहता है कि अगर सामने वाले कंट्री की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है तो हमारी भी उस सामने वाले कंट्री के साथ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, सबके साथ नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक इंडिया नाम का लड़का है, इस इंडिया नाम के लड़के ने कहा कि जब तक कोई मुझे नहीं मारेगा तब तक मैं किसी को नहीं मारूंगा, ठीक है? ये हाँ, इंडिया नाम के लड़के ने कहा, दिस अप्लाइज टू एवरीवन, दुनिया में जितने लोग हैं ना
जितने भी मेरे दोस्त है उनमें से हर दोस्त के लिए ये रूल है मेरा, जब तक आप लोग मुझे नहीं मारोगे मैं आपको कभी पहले नहीं मारूंगा, अगर आपने मुझे मारा तभी मैं आपको मारूंगा। चाइना ने क्या कहा, उस ग्रुप में चाइना भी था, तो चाइना ने कहा कि मैं इंडिया को कभी नहीं मारूंगा पहले, क्योंकि इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि जब तक उसे कोई पहले नहीं मारेगा तब तक इंडिया किसी को नहीं मारेगा। लेकिन चाइना ने कहा बाकी जो हो ना, आप बाकी के दोस्त हो ना, आप में से किसी को भी मैं कभी भी मार सकता हूं। तो चाइना ने कहा कि आप भी इंडिया जैसा कहो कि जब तक कोई हमें पहले नहीं मारता तब तक हम उसे नहीं मारेंगे। मतलब जिस कंट्री की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है बस उसी कंट्री के अगेंस्ट चाइना की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। समझे आप, समझ गए डिफरेंस दोनों की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में। इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी क्या कहती है कि हम किसी भी कंट्री पे पहले अटैक नहीं करेंगे। चाइना की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी क्या कहती है, ये कहती है कि हम उस कंट्री के अगेंस्ट पहले न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे जिसकी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, इसलिए इसको हम कहते हैं ड्यूअल यूज पॉलिसी और ड्यूअल यूज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। ये चाइना के इस तरह की है। और आपका जो यूएसए है, रशिया है, फ्रांस है और यूके है, इनकी नो कोई पॉलिसी ही नहीं, इनके जब मन में आए तब ये न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान की भी पॉलिसी नहीं है, पाकिस्तान तो रोज उठते बैठते धमकियां देता है ना कि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब दिवाली में फोड़ने के लिए नहीं रखे हैं। ओके मनीष शिवल, मजा आया, ये जानकर मजा आया। आपको न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन पढ़ाते वक्त मोस्ट ऑफ द टीचर यही बताएंगे कि इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि चाइना की पॉलिसी क्या है, यूएसए की क्या है, रशिया की क्या है, फ्रांस की क्या है, यूके की क्या है। मैंने वो बता दिया आपको, ठीक है। सो ये बताया, हमारे इंडिया ने कहा कि हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। सो सेल्फ मोरेटोरियम ऑन न्यूक्लियर टेस्ट, मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस एंड नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। जैसे इंडिया ने ये कहा कि भाई साहब हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, पाकिस्तान खुश हो गया। पाकिस्तान ने कहा अच्छा इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, अब हमें टेंशन ही नहीं है हम एकदम से। लेकिन सर अब हमने तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी से बाहर निकल गए हैं कि अभी भी है, अभी भी है। शीतल सुनिए ना, मैं बताता हूं आपको, पहले आप न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन समझ लो। पाकिस्तान एकदम खुश हो गया कि चलो इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, हम पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करेंगे, पहले सबसे पहले हम ही खत्म कर देंगे इंडिया को। या फिर पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है हम न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज करेंगे, हम बायोलॉजिकल वेपन यूज करेंगे। फिर हमने फोर्थ एलिमेंट रिसेंटली डाला है हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में। पहले ओरिजिनल डॉक्ट्राइन में ये तीन ही पॉइंट थे, सेल्फ मोरेटोरियम ऑन न्यूक्लियर टेस्ट, मिनिमम क्रेडिबल डिस्टरेंस एंड नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, ओरिजिनली इतने ही थे। सर यू हैव अ ग्रेट नेचुरल टीचिंग स्किल, थैंक यू अवंतिका। ओरिजिनली ये तीन ही थे, लेकिन जो फोर्थ है ना वो हमने एलिमेंट ऐड किया। हमने कहा इफ इंडिया इज अटैक्ड, इफ इंडिया और इंडियन फोर्सेस आर अटैक्ड बाय इंडियन फोर्सेस, इफ इंडिया और इंडियन फोर्सेस आर अटैक्ड बाय केमिकल वेपन और बायोलॉजिकल वेपन एनी वेयर इन द वर्ल्ड। मतलब आप इंडिया की पीस फोर्सेस आपकी अफ्रीका में गई हुई है, अब अफ्रीका में अगर इंडियन फोर्सेस के अगेंस्ट उन रिबेल्स ने बायोलॉजिकल वेपन यूज किया तो इंडिया उन रिबेल पे जाकर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देगा। डर होना जरूरी है गाइस, सामने वाले को डर लगना चाहिए कि नहीं ये इंडिया की फोर्स है, अगर हमने इनके अगेंस्ट केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन यूज किया तो इंडिया सीधा न्यूक्लियर वेपन डाल देगा। तो हमने कहा कि अगर इंडिया पे बायोलॉजिकल वेपन का अटैक हुआ तो हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे, इंडिया पे केमिकल वेपन का अटैक हुआ तो हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे, इंडियन फोर्सेस पे कहीं पे भी दुनिया में अगर केमिकल या बायोलॉजिकल अटैक होता है तो वी विल यूज न्यूक्लियर वेपन, ये हमने ऐड कर दिया। उसके बाद और एक चीज हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में आती है, वो ये कि इंडिया विल नेवर यूज न्यूक्लियर वेपन, इंडिया विल नेवर यूज न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज। मतलब जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन ही नहीं है उनके अगेंस्ट इंडिया कभी भी न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा। तो फिर इंडिया न्यूक्लियर वेपन किसके अगेंस्ट यूज करेगा, अगर इंडिया उन कंट्रीज के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज करने वाला जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो इंडिया न्यूक्लियर वेपन किसके अगेंस्ट यूज करेगा। यूएसए के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है तो यूएसए के अगेंस्ट यूज नहीं करेगा,
रशिया के साथ हमारा कोई लेना देना है नहीं है तो रशिया के अगेंस्ट यूज नहीं करेगा। यूके के साथ हमारा कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। फ्रांस के साथ कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। इसराइल के साथ कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। ये नॉर्थ कोरिया के साथ कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। हमारा प्रॉब्लम है चाइना के साथ और हमारा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ। जब हमने ये कहा कि इंडिया विल नेवर यूज न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, इनडायरेक्टली हमने कहा कि इंडिया विल यूज न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान। मतलब कहा कुछ और लेकिन उसका जो मतलब है वो उस पर्सन को मिल गया। बिना नाम लिए हमने उसको डरा दिया, ठीक है। और जैसे इंडिया ने ये कहा ना कि इंडिया विल नेवर यूज न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, तो बांग्लादेश में ईद मनाई गई, नेपाल में दिवाली मनाई गई, भूटान में सबसे बड़ा फेस्टिवल हुआ, श्रीलंका में भी बड़ा फेस्टिवल हुआ, मालदीव भी खुश हो गया, म्यांमार भी खुश हो गया, अफगानिस्तान खुश हो गया। मैं जोक कर रहा हूं, मतलब इन कंट्री, ये कंट्री रिलैक्स हो गई कि कोई हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। इंडिया हमारा नेबर है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। हमारा और इंडिया का झगड़ा भी हुआ तो इंडिया कभी भी हमारे अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान को हमने मिला, बेटा सुन ले, अगर तूने ज्यादा नखरे किए ना, अगर तूने ज्यादा नखरे किए तो सीधा न्यूक्लियर बॉम्ब है, बाकी कुछ नहीं, सीधा न्यूक्लियर बॉम्ब। इसीलिए तो डरा पड़ा है ना पाकिस्तान, समझ गया। ये आपका फिफ्थ एलिमेंट हुआ, इंडिया विल नेवर यूज न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। आपको न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्लियर हुई सभी को? अगर इसमें से कुछ मिस आउट हुआ है तो अब हम कंटेंट के थ्रू जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन डेवलप की है। पहला पॉइंट, इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में पहले बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग अ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। Second, a posture of no first use nuclear weapon will only be used in retaliation against a nuclear attack on Indian territory or Indian forces anywhere. मतलब इंडिया हमेशा न्यूक्लियर वेपन सेकेंड स्ट्राइक में ही यूज करेगा, इसीलिए हमारे पास बेस्ट वर्ल्ड्स बेस्ट सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होनी चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। इसलिए हमने क्या डेवलप किया? न्यूक्लियर ट्रायड डेवलप किया। क्या डेवलप किया हमने? न्यूक्लियर ट्रायड डेवलप किया। देन न्यूक्लियर रिटेलिएशन टू अ फर्स्ट स्ट्राइक विल बी मैसिव एंड डिजाइन टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डैमेज। वाओ, ये पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया था, सुनिए। इंडिया ने बोल दिया है कि इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, ठीक है, ये इंडिया ने ऑलरेडी बताया है। और ये भी बताया उसके साथ इंडिया ने कि भाई साहब सुनो, अगर किसी ने हम पे न्यूक्लियर वेपन का अटैक किया या बायोलॉजिकल वेपन का अटैक किया या केमिकल वेपन का अटैक किया हम पे या एनीवेयर इन द वर्ल्ड मेरी हमारी फोर्सेस पे, तो हम सेकेंड स्ट्राइक इतनी मैसिव करेंगे, इतनी ज्यादा करेंगे कि आपने अपने ख्वाब में भी सोचा नहीं होगा। पाकिस्तान को हमने बोल दिया, चाइना को बोल दिया, बच्चों याद रखो कि हम सेकेंड स्ट्राइक इतनी ज्यादा करेंगे कि इट विल इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डैमेज। आपके सात पुरखों में सपनों में नहीं सोचा होगा ऐसा डैमेज हम सेकेंड स्ट्राइक में करेंगे, और इतनी डैमेज की कैपेबिलिटीज हमारे पास होनी चाहिए ना। तो हमने अब हम रफेल से भी बॉम्ब डाल सकते हैं, अग्नि से भी डाल सकते हैं, आईएनएस अरिहंत से भी डाल सकते हैं, तीन तीन तरफ से न्यूक्लियर बॉम्ब आ रहे हैं। पाकिस्तान किस किस को बचाएगा, कौन से बॉम्ब से बचेगा? इनडायरेक्टली हमने कहा कि पाकिस्तान बेटा तेरा हम नामो निशान मिटा देंगे, इस दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान खत्म कर देंगे अगर गलती से तुमने हम पे न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया रवीना, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है या न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने का बटन किसके हाथ में है? इंडिया में न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने का बटन किसके हाथ में? आपको पता है यूएसए में अगर प्रेसिडेंट चाहे ना तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली न्यूक्लियर न्यूक बटन प्रेस कर सकता है। इसीलिए तो पूरी दुनिया या यूएसए डरी हुई थी कि ये ट्रंप बन बैठा है, ये क्या करेगा पता नहीं, लेकिन लकीली उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इंडिया की केस वो नहीं है, इंडिया में न्यूक्लियर वेपन इज कंप्लीटली अंडर सिविलियन गवर्नमेंट। न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करना है या नहीं ये डिसीजन इंडिया में सिविलियन गवर्नमेंट लेता है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिलिट्री का इसमें कुछ भी से नहीं है, मिलिट्री का इसमें कुछ भी से नहीं है। तो देख लीजिए, न्यूक्लियर रिटेलिएटरी अटैक्स कैन ओनली बी ऑथराइज्ड बाय द सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप। मतलब आर्मी, एयरफोर्स या नेवी ये न्यूक्लियर अटैक
नहीं कर सकते, डिसीजन नहीं ले सकते. इट इज कंप्लीटली ऑथराइज्ड बाय द सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप. पाकिस्तान का वो केस नहीं है. पाकिस्तान में अगर मिलिट्री ने बोला सिविलियन गवर्नमेंट को चलो भागो, सिविलियन गवर्नमेंट भागने लगता है. मिलिट्री ने बोला रुको, सिविलियन गवर्नमेंट रुक गया. मिलिट्री ने बोला पानी पियो, पी लिया. मिलिट्री ने बोला खाना खा लो, खा लिया. मिलिट्री ने बोला लीक माय बूट्स, कर लिए ली. दैट इज नॉट द केस इन इंडिया. और याद रखिए सिविलियन गवर्नमेंट हमेशा रिस्पॉन्सिबल होते हैं. मिलिट्री में होता क्या है ना, इवन आपका जो हेड ऑफ द आर्मी होता है ना, उनके दिमाग में एक पावर का एक ईगो होता है कि यस आई एम वेरी पावरफुल, क्योंकि पावर है उनके पास लोगों को मारने की. सिविलियन गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह बनते हैं उनको पता है कि भाई मैं चाय बेचने वाला यहां बैठा हूं, तो सोच समझ कर डिसीजन लेता है. समझ रहे हो आप? तो इंडिया में न्यूक्लियर रिटेलिएटरी अटैक कैन ओनली बी ऑथराइज्ड बाय सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप. और उसके लिए एक हमने अथॉरिटी बनाई है, उसका नाम है एनसीए. इंडिया में न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है. क्या है इंडिया में? न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है. और इस न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के दो पार्ट है. कौन से दो पार्ट है? इसके दो पार्ट में मैं आपको बताता हूं. एक होती है पॉलिटिकल काउंसिल और दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल. एक होती है आपकी पॉलिटिकल काउंसिल और दूसरी होती है आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल. ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसका हेड होता है एनएसए, आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. और पॉलिटिकल काउंसिल का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर. तो ये दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को पूछना पड़ता है. किसे पूछना पड़ता है बता देता हूं. नॉन यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट अ नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, फाइन. हाउएवर इन द इवेंट ऑफ मेजर अटैक अगेंस्ट इंडिया और इंडियन फोर्सेस एनीवेयर बाय बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स, इंडिया विल रिटेन द ऑप्शन ऑफ रिटेलिएटिंग विद न्यूक्लियर वेपन. बता दिया. अ कंटिन्यूएंस ऑफ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर एंड मिसाइल रिलेटेड मटीरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज, पार्टिसिपेशन इन द फिसाइल मटीरियल कट ऑफ ट्रीटी निगोशिएशंस. ये ट्रीटी आने वाली है FMCT, ओके. एंड कंटिन्यूड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरेटोरियम ऑन न्यूक्लियर टेस्ट, कंटिन्यूड कमिटमेंट टू द गोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड थ्रू ग्लोबल वेरिफिएबल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट. अगर करनी है आपको न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, सबकी करो, सिर्फ कुछ कंट्रीज की नहीं. अब देखिए न्यूक्लियर. हाँ शीतल, आपने मुझे पूछा था कि सर अभी हमने हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी खत्म कर दी है या चल रही है. ठीक है, पहले ये देख लेते फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में आपकी पॉलिटिकल काउंसिल है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल है. पॉलिटिकल काउंसिल चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल चेयर्ड बाय सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. पॉलिटिकल काउंसिल इज द सोल बॉडी विच कैन ऑथराइज द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रोवाइड्स इनपुट्स फॉर डिसीजन मेकिंग बाय द एनसीए एंड एग्जीक्यूट्स द डायरेक्टिव्स गिवन बाय द पॉलिटिकल काउंसिल. तो पॉलिटिकल काउंसिल ने जो भी ऑर्डर दिए ना, वो एग्जीक्यूट करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल का है. ठीक है, उसके बाद आपका जो है ये जो कमिटी है सिक्योरिटी कमिटी, द कमिटी देखिए CCS रिव्यूड द एग्जिस्टिंग कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, द स्टेट ऑफ रेडीनेस और रेडीनेस, द टारगेटिंग स्ट्रेटेजी फॉर रिटेलिएटरी अटैक एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर वेरियस स्टेजेस ऑफ अलर्ट एंड लॉन्च. द कमिटी एक्सप्रेस्ड सेटिस्फैक्शन विद ओवरऑल प्रिपेयर्डनेस. द CCS अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ कमांडर इन चीफ स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड to manage and administer all strategic forces. CCS also reviewed and approved the arrangement for alternate chains of command for retaliatory nuclear strikes in all eventualities. अब मैंने ये पढ़ के दिखाया आपको, बस यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आपके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और अभी CDS ये सब इसका पार्ट है. ये सब और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये सब मिलकर कुछ डिसीजन लेते हैं. वो डिसीजन पॉलिटिकल काउंसिल को बताया जाता है और फिर पॉलिटिकल काउंसिल डिसाइड करती है कि ये सुनना है या नहीं. उसके बेस पे ये पॉलिटिकल काउंसिल काम करती है. ठीक है, ये हो गया आपका न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. अब मुझे आपको और कुछ एक्सप्लेन करना है. बच्चों, व्हाई वी केम अप विथ न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, कैन यू टेल मी Why we came up with nuclear doctrine? हमें क्या जरूरत थी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की?
हमने 1974 में पहला टेस्ट किया, 1998 में दूसरा टेस्ट किया, ये दोनों टेस्ट होने के बाद हमें न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन लाने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। पूरी दुनिया में सारे कंट्रीज ने इंडिया पे सैंक्शंस लगाए थे, और इंडिया को अगर डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनना है तो इंडिया को सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, नॉट ओनली न्यूक्लियर बट देर आर मेनी अदर टेक्नोलॉजीज दैट आर अवेलेबल एंड एक्सेसिबल टू अदर कंट्रीज, वो हमें अवेलेबल और एक्सेसिबल होनी चाहिए। लेकिन इन सैंक्शन की वजह से हमें वो अवेलेबल और एक्सेसिबल हो नहीं रही थी, तो ये सैंक्शन उठाए जाए, इसलिए हम 1998 में न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के साथ आए। और हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन मतलब इतना ब्यूटीफुली बैलेंस्ड है ना, तो इसमें हमने सीधा सीधा बोला है कि भाई साहब हम एक बहुत रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि हम बेवकूफ है, ठीक है। और इसी का रीजन ये था कि 2003 में हमने इंडिया और यूएसए का एक निगोशिएशन स्टार्ट हुआ, और इंडिया और यूएसए के निगोशिएशन से एक एग्रीमेंट बाहर आया, उसे कहते 1-2-3 एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट का डिस्कशन आपको पता है कहां से कब से चल रहा था? 2003 से लेकर 2009 तक ये एग्रीमेंट का डिस्कशन चल रहा था, 1-2-3 एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट ने क्या किया, इंडिया के ऊपर जो सैंक्शंस थे रिलेटेड टू एक्सेस टू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, वो सैंक्शंस लिफ्ट हो गए। और उसी का रीजन ये है कि आज इंडिया की न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स है यूएसए के साथ, इंडिया की न्यूक्लियर एग्रीमेंट है फ्रांस के साथ, इंडिया की न्यूक्लियर एग्रीमेंट है रशिया के साथ, इंडिया की न्यूक्लियर एग्रीमेंट है जापान के साथ। भाई जापान किसी भी ऐसे कंट्री के साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयरिंग के एग्रीमेंट नहीं करता जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है, स्ट्रिक्टली नहीं करता, क्योंकि दैट इज वेरी इमोशनल पार्ट फॉर जापान। जापान ने अपनी कितनी सारी जनरेशंस लूज किए उन दो न्यूक्लियर वेपन अटैक की वजह से। जब जापान ने इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया ना, तो हमारा जो रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर का जो हमारा स्टेटस है ना, वो एकदम हाई लेवल का हो गया, एकदम हाई लेवल का। याद रखिए गाइस, मैं आपको रीजन बताता हूं, मुझे बताइए, पहले सिर्फ यूएसए के पास न्यूक्लियर वेपन था, बाद में रशिया के पास आया, अब फ्रांस को न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी किसने दी? यूएसए ने। यूके को न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी किसने दी? यूएसए ने। चाइना को न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी किसने दी? रशिया ने। पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी किसने दी? आइदर चाइना और रशिया और यूएसए, इनमें से किसी ने ना किसी ने दी है। और नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी किसने दी? आइदर चाइना और पाकिस्तान। इसराइल को न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी किसने दी? रशिया ने। तो मुझे बताइए, आपका यूके और फ्रांस, ये दो कंट्री अगर आपने छोड़ दी, तो हर एक कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी स्प्रेड की है, हर एक कंट्री ने, और इसराइल ने नहीं की। ये तीन कंट्री छोड़कर हर एक कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी स्प्रेड की है, इंडिया ने नहीं की। तो इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना व्हेन इट कम्स टू स्प्रेडिंग न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द बेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसी ट्रैक रिकॉर्ड को जापान ने शिक्का मूर्तक कर दिया। जापान ने कहा कि यस, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट न्यूक्लियर वेपन, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन पावर। तो जापान के साथ एग्रीमेंट किया, ऐसे टोटल हमने 7 कंट्रीज के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स किए हैं, ऑल बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। अगर हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन नहीं होता ना, तो हमें न्यूक्लियर, मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी को एक्सेस ही नहीं मिलता। उसके बाद और एक पॉइंट याद रखिए, जो इंडिया है, इंडिया के जो न्यूक्लियर रिएक्टर साइट्स है वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे, टोटल 7 है, मैंने आपको बताया था। ये सारे न्यूक्लियर रिएक्टर कुछ रशिया ने आपको बना के दिए, जैसे देखिए कुडानकुलम रशिया ने बनाया हुआ है, कुछ यूके ने बनाया है, कुछ जर्मनी ने बनाया है। हाँ, एक क्वेश्चन आपके लिए, क्या हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर, इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर IAEA के इंस्पेक्शन, IAEA के इंस्पेक्टर हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर का इंस्पेक्शन कर सकते हैं क्या? IAEA के इंस्पेक्टर्स हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स का इंस्पेक्शन कर सकते हैं क्या? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज, चलो आंसर करो। यस शीतल जलारिया, इंडिया हैज डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन कंप्लीटली इंडिजिनसली।
यस, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पूछा है गाइस, प्लीज उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए ताकि हम आगे चल सकते हैं या हम आगे जा सकते हैं। यस आई एम वेटिंग फॉर यू और आंसर। लेट सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर करेक्टली, लेट मी चेक इट आउट। यस कर सकते हैं, बिल्कुल कैनेडियन बॉय सिद्धू कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे न्यू, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन इंडिया आर अंडर IAEA सेफ गार्ड। ये सारे टॉपिक आपके न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाला जो टॉपिक है उसमें हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाला जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर करोगे। पहला क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों, मुझे बताइए इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का आप मेजर पॉइंट बता सकते हो, इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के मेन मेन पॉइंट बता दीजिए एंड वी विल एंड द क्लास। ये क्विक रिवीजन होगा इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के मेन मेन पॉइंट बता दीजिए, क्या क्या है न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में इंडिया के, जल्दी जल्दी बताओ ताकि हम आगे जा सके। बच्चों क्विकली आपको बताना है। यस यस Anybody? बोलो बोलो आंसर करो, जल्दी करो, जल्दी आंसर करना है। यह समय आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं गाइज। पहला सेल्फ मोरेटोरियम ऑन टेस्ट, दूसरा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, यस दो हो गए। तीसरा क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, फोर्थ वेरी गुड अर्जुन गुंथा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, वेरी गुड अर्जुन, वेरी गुड। फोर्थ नो यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज। फिफ्थ न्यूक्लियर वेपन्स विल बी यूज इफ इंडिया और इंडिया और इंडियन फोर्सेस आर अटैक्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये आपके चार पांच पॉइंट है न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए भी और आपके मेंस के लिए भी। मेंस में भी आपको न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन पे क्वेश्चन आ सकता है गाइस। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल वेपन कन्वेंशन, दैट वी विल डिस्कस टुमारो। देन आफ्टर दैट इंडिया नेवर यूज द न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन्स, यस। उसके बाद व्हाट इज दिस बायोलॉजी अर्जुन, केमिकल वेपन कन्वेंशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम OPCW को पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, और दैट्स इट। तो ये कल दोनों पॉइंट हम कल के क्लास में पढ़ लेंगे। अब ये वेपन कन्वेंशन है, दे आर एक्चुअली नॉट पार्ट ऑफ द डिफेंस टेक्नोलॉजी, लेकिन मैं वो डिफेंस में आपका कवर करवा रहा हूँ, ठीक है गाइज। ये क्लास से बाहर जाने से पहले आपको कुछ चीजें याद रखना बहुत जरूरी है, और वो चीजें है बच्चों, वो चीजें है आपकी, आपको एक तो मेरा कोड याद रखना पड़ेगा। वॉट इज माई कोड, कोड कौन सा है बता सकते हो आप मुझे? यस दिस कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको यूज करना पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा SKUS, बिकॉज दिस कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल फॉर यू एज वेल एज फॉर मी। इट इज अ वायरल कोड ऑफ सक्सेस, ये स्टार्ट होता है सक्सेस से, ये एंड होता है सक्सेस से, बीच में आपको कश्मीर यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। आपको अगर अनएकेडमी के प्लस और आइकॉनिक के 10% आइकॉनिक पे 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप SKUS कोड यूज कर सकते हो। कहीं पे भी अनअकैडमी इनवाइट कोड मांगती है तो आप SKUS कोड यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दिस इज अबाउट मी गाइज, यू ऑलरेडी नो अबाउट मी, आपको मेरे बारे में पता ही है। मेरे इस टेलीग्राम चैनल को जो भी बच्चे अभी क्लास में नए हैं ना, आप सब लोग मेरे इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे इस अनअकैडमी प्रोफाइल को भी आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाकर फॉलो कीजिए, मुझे हैट्स डेडिकेट कीजिए। एंड वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट गाइज, आपको मैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे एवरीडे 8 AM इन द मॉर्निंग एंड एवरीडे 4 PM इन द इवनिंग लाइव, यहाँ पे मैं लाइव टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ, दोनों की दोनों टेस्ट लाइव होती है। कैसी होती है दोनों टेस्ट? दोनों टेस्ट लाइव होती है, तो आपको ये दोनों टेस्ट कंपलसरी अटेंड करनी है लाइव अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। ये दोनों टेस्ट फ्री है इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट यूर 2021 अटेम्प्ट, सो इट इज मस्ट फॉर यू टू अटेंड बोथ दीज टेस्ट्स, ओके। और पीडीएफ मिल जाएगी अर्जुन गुप्ता मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे, इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी।
हाँ मिलेगी अर्जुन बुधा, इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्लास है 11 AM को, ये क्लास होगा हमारा यूट्यूब पे। इसमें मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड ज्योग्राफी मैपिंग के आपके करंट अफेयर्स कराता हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी एट 11 AM ऑन यूट्यूब। टिल दैट टाइम गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, हैप्पी लर्निंग।